أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اس سورة حشر کا آخری رکوع ہم نے آپ کے سامنے پڑھا. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو. تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی مرضی کی فکر کرنا، اس کی ناراضگی سے بچنے کی پوری کوشش کرنا، ہر حال میں مرضی رب تلاش کرنا، یہی تقوی ہے. کوئی خیال بھی آیا سینے میں تو بندہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں ناپسند تو نہیں ہو جائے گا، یہ خیال کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. تو چے جائے کہ کوئی عمل ایسا کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تقویٰ اسلام کی دین کی روح ہے، جان. تقوی سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت بناتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالی ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں اور جو اچھا کام کرنے والے ہیں. آخرت بھی انہی کی ہے. ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. آخرت کی تمام نعمتیں، باغات، انگور، حوریں، وہ سب متقیوں کے لیے. تو تقویٰ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے، مطلوب ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں تقویٰ کا حکم دیتا ہے. ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ولتنظر، اور ہر انسان غور کرے، ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے کیا اس نے پیش کیا، کل کے لیے کیا پیش کیا. ہر انسان غور کرے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غور کرے کہ کل کے لیے کیا پیش کیا. واقعی اگر
इस बात पर हम अमल करें अल्लाह ताला की इस नसीहत पर। हर नफ्स, ये इंफिरादी बात अल्लाह फरमाता है कि हर शख्स गौर करे कि कल क्या चीज है जो उसके काम आएगी, कौन सा अमल ऐसा कर लिया है जो आखिरत में उसके काम आ जाएगा, क्या पेश कर दिया हमने। तो हम गौर करें अगर, तो हम तो जीरो निकलेंगे कि हमारा बैलेंस जीरो है। क्या हम कोई ऐसा अमल रखते हैं कि जिससे हमको नजात की उम्मीद हो? नजात तो अल्लाह के फजल से मिलेगी, लेकिन अमल की अल्लाह तबारक व ताला ने अमल की बात निशान फरमाई है कि अमल तुम करो और फिर अपने फजलों का नाम से नजात। तो हमें गौर करना चाहिए, अगर हम गौर करेंगे तो कोई ऐसा अमल नहीं मिलेगा। हमारी नमाजें वो भी खुशू से खाली है, इखलास से खाली है। हमारे आमाल जो हम मुआशरे की खिदमत करते हैं, जो मिस्कीनों गरीबों की खिदमत करते हैं, अगर वो गौर किया जाए तो उसमें भी हमें लगता है कि शायबा है कि अल्लाह के लिए है कि नहीं है, कहीं रियाकारी का चुस्मा नहीं उसमें। तो क्या हम मिसाल के तौर पर हम इल्म से ताल्लुक रखते हैं पढ़ने पढ़ाने से, तो हम तो देखते हैं कि ये भी काम नहीं आएगा, कि हम तो उसके लिए उसकी तनख्वाह ले लेते हैं, तो अल्लाह के लिए काम हुआ। एक बात है, यानी आदमी अगर अपने तौर पर गौर करे, दूसरे के लिए नहीं कहना ये बात कि आप सारे उलमा के लिए फैसला करें कि वो तो तनख्वाह लेते हैं तो बढ़ा। हम अपनी बात कह रहे हैं, हर एक आदमी अपना जायजा लेगा तो उसको मालूम होगा ये कि हमारा कोई अमल ऐसा नहीं है जो आखिरत में काम आने वाला। कि हर इंसान गौर करे कि कल के लिए उसने क्या चीज पेश की। और अल्लाह से डरते रहो, शुरू में कहा फिर बीच में आखिरत की तैयारी, फिर कब तक, इसका मतलब आखिरत की तैयारी तकवे के बीच में होती है, तकवे के हिसार में आखिरत बनती है, आगे भी तकवा पीछे भी तकवा। इन अल्लाह खबीरुन बिमा तअमलून, अल्लाह ताला बाखबर है जो कुछ तुम करते हो। ये भी फरमा दिया कि जो कुछ तुम करते हो खबर है अल्लाह को, जो तुम्हें कितनी जान है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी नीयतें भी जानता है, तुम्हारे अमल भी जानता है। तो अगर तुम करोगे तो इसमें बशारत भी है धमकी भी है कि अल्लाह बाखबर है जो कुछ तुम करते हो। खुशखबरी ये है कि कोई जाने या ना जाने, अल्लाह तो जानता है, अल्लाह तो जानता है, इसका बदला अल्लाह देगा। ये खुशखबरी है अच्छे अमल करने वालों के लिए। और धमकी भी है कि आपने छुपके किया है, मखलूक से तो बच गए हैं लेकिन अल्लाह ताला से तो नहीं बच सकते। मखलूक ने नहीं देखा नहीं जाना लेकिन अल्लाह तो जानता है, तो अल्लाह बाखबर। इसलिए हमें बुरा अमल नहीं करना चाहिए और अच्छे अमल में कोई हमें डरना नहीं चाहिए कि कौन देगा इसका बदला, अल्लाह ताला तो जानता है, कोई जाने या ना जाने। वला तकूनू कल्लदीना नसुल्लाह फअंसाहुम, और तुम ना बनो उन लोगों की तरीके से कि जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनको ये सजा दी कि उनकी जात भूल गए हो, अल्लाह ने उनकी जात से उन्हें गाफिल कर दिया। जो अल्लाह को भूल जाता है उसको क्या सजा मिलती है? वो अपनी जात को भूल जाता है। जो अल्लाह को याद रखता है वो अपनी जात को याद रखता है, इसलिए कि अल्लाह से ताल्लुक रखना तो अपने ही काम आएगा ना, और अल्लाह को भूल जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? अपनी जात का होगा। अल्लाह को भूल कर फिर इंसान अपनी दुनिया भी तबाह कर लेता है, आखिरत भी तबाह कर लेता है अल्लाह से दूर रहकर। तो अल्लाह से दूर रहने की, अल्लाह से मुंह मोड़ने की, अल्लाह को भूलने की सजा क्या मिलती है? इंसान अपनी जात को भूल जाता है। चुनांचे आप देखिए, जो लोग आखिरत को नहीं मानते हैं या अल्लाह ताला की बात नहीं मानते हैं, वो दुनिया में पूरे डूबे हुए हैं। आप देखेंगे कि वो अपनी जात से भी गाफिल, वो ऐसे डूबे हुए हैं, पैसा पैसा कमाने की मशीन है, जैसे कोल्हू का बैल है चल रहा है, ना उनको अपने आराम की फिक्र है, ना अपनी नींद की फिक्र है, ना उनको चैन मिलता है, ना करार मिलता है। तो वो अपनी जात ही को भूल गए, अल्लाह को भूल गए,
और जो दीन वाले हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह की इताअत वाले हैं, उनको देखिए कि वो अल्लाह ताला की तरफ से एक कैफ में रहते हैं, एक मस्ती में रहते हैं, एक ईमानी लज्जत से उनको अल्लाह तबारक व ताला नवाजता है। तो अल्लाह को याद रख के बंदा अपने आप को याद रखता है, अल्लाह को भूल कर अपने आप को भूल जाता है। तो फरमाया उन लोगों की तरह से ना बनो जो गुजर गए, यहूद है, नसारा है, कारून है, फिरौन है, हमान है, जितने भी ईमान हुए वो सब ऐसे ही थे कि अल्लाह को भूल गए, तो अल्लाह ने फिर उनको अपनी जात से गाफिल कर दिया। उलाइका, यही लोग हैं जो दीन से और अल्लाह की इताअत से बाहर रहते हैं और दीन को छोड़ देते हैं, अल्लाह की इताअत को छोड़ देते हैं, फासिक होते हैं। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। दोजख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते, जन्नत वाले ही कामयाब और दोजख वाले कामयाब नहीं। ये है फर्क सबसे बड़ा, कि जन्नत वाले दोजख वाले कामयाब नहीं हो सकते। अगर इंसानों में फर्क हो सकता है तो इसी का हो सकता है कि ये जन्नती है ये दोजखी, वहां फर्क समझ आएगा। दुनिया में आप देख लीजिए, आपके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन एक एतबार से तो बराबर ही है, और हो सकता है कि हम ही अच्छे हों। पैसा है लेकिन बीमारियां भी है आपके, और आपके बच्चे ज्यादा हैं, हमारे बच्चे नहीं है खुदा ना खास्ता, लेकिन हो सकता है हम ही ज्यादा अच्छे हों। आप चारपाई पर सोते हैं, हम बिस्तर पर सोते हैं, तो नींद तो हो सकता है हमें ही ज्यादा आती हो। आपके पास ऐसी है, हमारे पास ऐसी नहीं है, दरख्त की छाँव में सो रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारी जिंदगी बेहतर हो। तो दुनिया में तो जो फर्क है वो सबकल अदम है, कोई फर्क नहीं है। चाहे कितना आज आप देख लीजिए, सबसे अमरीका का बड़ा सदर हो या हिंदुस्तानी का कोई बड़ा वो वजीर है, उसकी जिंदगी में आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। जिंदगी सांस उसको भी मिल रही है, हमको मिल रही है, एक ही चारपाई पर वो भी सोता है, एक ही चारपाई पर हम भी सोते हैं, तो जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं है। हो सकता है हमारी जिंदगी उससे बेहतर हो, तो लेकिन जो फर्क होगा वो तो एक दोजख और एक जन्नती में होगा, कि इसका तो क्या पूछना, और ये तो परेशानी परेशानी। ये सबसे बड़ा ये है ऐश में और ये है तकलीफ में। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, दोजख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते, जन्नत वाले ही कामयाब, बाकी और कोई कामयाब नहीं। जो जन्नत में नहीं गया वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वो तो जख्म में गया। सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? जन्नत में जाना। ये है जन्नत में कैसे जाएगा, यही देखना है इंसान को। लो अंजलना हादल कुरान अला जबल, अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते, डराई तो आप देखते कि पहाड़ खाशियन डर गया है, सहम गया है, मुतसद्दिया, और वो रेजा रेजा हो जाता, बिखर जाता, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से। यानी अगर पहाड़ इस बात को महसूस कर ले कि कुरान में कितना वजन है, तो कुरान का वजन नहीं संभाल पाएगा, और अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, और अल्लाह के कलाम के जलाल और रौब से वो पहाड़ भी जिसकी मजबूती मशहूर है, मिसाल बयान की जाती है, वो भी बर्दाश्त करने से कासिर। वतिल्कल अम्थालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। और ये मिसालें हैं, हम ये मिसाल अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। इसी तरह की कुरान शरीफ में और भी मिसालें अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाई है, कि फरमाया ये मिसालें हम लोगों के लिए देते हैं, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि गौर करें। अब इसमें गौर करने की क्या बात है, कि ऐसा अजीम कलाम जिसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में थमा दिया, अल्लाह ताला ने हमें इसमें मुखातब किया है, फिर भी हम इसको
इसकी कदर नहीं करते, इसमें क्या लिखा हुआ है नहीं समझने की कोशिश करते हैं, इस पर अमल नहीं करते। तो ये अल्लाह ताला ने मिसाल दी है, यानी कुरान की अजमत कितनी अजमत है, और वो अल्लाह ताला ने आपको कितनी आसानी के साथ आपको दे दिया है, नाजिल कर दिया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर भी हम कदर नहीं करते। वो अल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। आलिमुल गैब वश्शहादा, वो गैब को भी जानता है और हाजिर को भी जानता है। हाजिर मतलब जो सामने, गैब मतलब जो सामने नहीं है, जो हमारे सामने नहीं है वो अल्लाह के सामने है। जो बहुत सारी बातें पहले हो गई हम नहीं जानते, बहुत सारी बातें आइंदा होने वाली है हम नहीं जानते, अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह के लिए बराबर है जो चीज इंसानों के इल्म में है और जो इंसानों के इल्म में नहीं है। वर रहमानुर रहीम, वो रहमत वाला है और मुसलसल करम फरमाने वाला है। वही अल्लाह है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। अल मलिक अल कुद्दूस, वो बादशाह है, वो पाक है। अस्सलाम, वो सलामती वाला है, बेऐब है, उसमें कोई ऐब नहीं है अल्लाह ताला की ज़ात में, और सलामती देता भी है, वो सलामती अल्लाह की तरफ से मिलती है। अल मुमिन, वो अमान बख्शने वाला है, डरे हुए को तसल्ली देने वाला। डर है तो अमन कौन दे सकता है, निडर कौन बना सकता है, हमें कोई खतरा नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से मिलता है। मुमिन, अल्लाह अमन देने वाला है, डर को खत्म करने वाला अल्लाह ताला है। अगर आप डरे हुए हो तो अमन चाहिए और खौफ से आपको हिफाजत चाहिए, अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह ताला हिफाजत करो। अल मुहैमिन, वो हर चीज पर हावी है, कोई चीज उसकी दस्तरस से, उसकी कुदरत से बाहर नहीं है। अल अजीज, जबरदस्त है। अल जब्बार, बड़ी कुदरत वाला है। अल मुतकब्बिर, किबरियाई और बड़ाई वो अल्लाह ही को जेब देती है, अल्लाह ही के शायन निशान है, और कोई किबरियाई वाला नहीं है, कोई तकब्बुर करने का हक नहीं रखता है, क्योंकि वो बड़ा है ही नहीं। बड़ा कौन है? अल्लाह ताला है। अल मुतकब्बिर, इसीलिए आता है कि हदीस में कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बड़ाई मेरी चादर है, इज्जत वो मेरी इजार है, जो मुझसे छीनेगा मैं उसको जहन्नम में डाल दूंगा। यानी जो तकब्बुर करेगा तो गोया कि मेरी चादर वो छीन रहा है, जो मेरी खास चीज है वो लेने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको जहन्नम में जला दूंगा। सुबहानअल्लाह अम्मा युशरिकून, अल्लाह पाक है उन तमाम खुदाओं से जिनको ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह अपनी ज़ात में अपनी सिफात में तन्हे तन्हा है। उसने किसी को इख्तियारात ऐसे नहीं दिए हैं कि अब तुम्हारे इख्तियार में दे दिया, जो चाहे तुम करो, वो सारे इख्तियारात का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में अपनी सिफात में ला शरीक है। वो अल्लाहुल खालिक, वो खालिक है। अलबारिक, और पैदा करने वाला है। अलमुसव्विर, और तस्वीर बनाने वाला है। तस्वीर है कैसी बनाई अल्लाह ताला ने, कि देखिए कितने करोड़ों अरबों हजरत आदम से अब तक इंसान बने होंगे, कयामत तक बने होंगे, और सबके चेहरे एक जैसे लेकिन सबके बदले हुए। फर्क करने के लिए ऐसा नहीं कि किसी की आंख पीछे लगा दी हो, नाक नीचे लगा दी हो, सबके वही है लेकिन कोई किसी से नहीं मिलता है। कितनी अल्लाह के पास तस्वीरें हैं, कितने सैंपल हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, नए नए बन रहे हैं सब। तो अल्लाह तस्वीर कौन बनाता है? अल्लाह ताला। अल-मुसव्विर, लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके बेहतरीन नाम हैं, अच्छे अच्छे नाम हैं अल्लाह ताला के। वो इंसान समझे और गौर करे तो अल्लाह से ताल्लुक़ होगा, अल्लाह से मोहब्बत होगी कि अल्लाह ताला की क्या क्या सिफात हैं। يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, कायनात की आसमान और जमीन में जो चीजें, जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता, कतरा कतरा, वो अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है, अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है। وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, वो जबरदस्त है और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला हमें अपनी पहचान नसीब फरमाए और अपनी सिफात का ध्यान नसीब फरमाए। وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ।